Hello everyone. Good morning to all. Today we will discuss exercise 2.7 solution of NCERT book. Let's see first question. In exercise 2.7, we will discuss division of decimal number by another decimal number, or it may be any whole number, or divide by any number which contains zero after one. Let's see, first question is find 0.4 divide by 2. आपको find out करना है 0.4 divide by 2. जब आप इसको divide करेंगे तो देखिए कैसे करेंगे. First we will remove decimal. 0.4 divide by 10. सबसे पहले हम decimal को remove करेंगे तो ये आपके पास आएगा 4 by 10 divide by 2, that will be equal to 4 by 10, and divide will change into multiply, and there is no number in the denominator, we will write 1 in denominator, then divide will change into multiply, and reciprocal of 2 by 1 is 1 by 2, then 2 ones are 2. Your answer will be, अब देखिए जब 10 हो या 100 हो 1000 हो आप उसको कट नहीं करेंगे, डेसिमल अब आप लगाएंगे कैसे. अगर डिवाइड में ऐसे नंबर होता है, मान लो आपके पास है 3 डिवाइड बाय 100, जब आप डेसिमल लगाएंगे तो इसके लिए 3 कितने डिजिट के बाद डेसिमल लगाओगे आप, जितनी जीरो है 1 2 2 जीरो है, तो राइट हैंड साइड से आफ्टर 2 डिजिट आप डेसिमल पुट करेंगे यहाँ पे 3 0, यहाँ पे फिर 0.03. तो इसमें जब आप करेंगे 2 by 10 है, 2 by 10 को जब आप डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास कितना आंसर आएगा, डेसिमल एक डिजिट के बाद लगाएंगे 0.2, ये आपके पास क्या आंसर आया 0.2. 1 0 है 1 के बाद, तो हम एक डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे. अब बी पार्ट देखिए, बी पार्ट में भी ऐसे ही है सेम. जीरो पॉइंट थ्री फाइव डिवाइड बाय 5. अब सेम आप इसमें ऐसे ही करेंगे, फर्स्ट वी विल रिमूव डेसिमल. सबसे पहले आपको डेसिमल को रिमूव करना है, तो डेसिमल को रिमूव कैसे करेंगे, 0.35 नंबर एज इट इज डिवाइड बाय 1 लिखिए, जितने डिजिट के बाद डेसिमल है उतने जीरो पुट करेंगे, 0 0, 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, 2 0 आपने यहां पे पुट की, डिवाइड बाय 5, यहां डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है 1 ले लीजिए यहां पे, ये आपके पास क्या आया 35 डिवाइड बाय 100 इंटू 1 बाय 5. अब सिर्फ इसको कैंसिल करिए, 5 1 जा 5 7 जा, अगर 10 हो 100 हो 1000 उसको आपको कट नहीं करना है ताकि डेसिमल आप इजीली लगा सको. अब देखिए 7 by 100 है, 7 by 100 में आप कैसे डेसिमल पुट करेंगे, 2 0 है, सो वी विल पुट द डेसिमल आफ्टर 2 डिजिट फ्रॉम राइट हैंड साइड. ये 7 एक डिजिट हो गई, फिर 0 यहां पे डेसिमल लगाएंगे, ठीक है, तो ये क्या आपके पास 0.07. नाउ फिफ्थ पार्ट देखिए, जो पार्ट मैं नहीं करा रही हूं वो आप अपने आप करेंगे. 651.2 डेसिमल रिमूव करेंगे, सबसे पहले आप डेसिमल रिमूव करेंगे तो डेसिमल देखिए आफ्टर 1 डिजिट है, सो यू विल राइट डिवाइड बाय 10 डिवाइड 4 बाय 1. अब वही आप रूल लगाइए, डिवाइड का रूल. डिवाइड का रूल क्या होता है कि डिवाइड है वो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है, और जो नंबर डिवाइड के राइट हैंड साइड में है, डिवाइड के राइट हैंड साइड में उसका रेसिप्रोकल हो जाता है, तो ये आपके पास क्या होगा 1 बाय 4. अब देखिए इसको कट करेंगे हम, 4 1 जा 4, इधर 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, 4 2 जा 8, 4 8 जा, ये आपके पास क्या आया 1628 डिवाइड बाय
10. अब आपको डेसिमल पुट करनी है आफ्टर वन डिजिट, देयर इज 10, सो वी विल पुट अ डेसिमल आफ्टर वन डिजिट फ्रॉम राइट हैंड साइड. तो ये आपके पास क्या आएगा, 162.8. ठीक है. अब देखिए एट्थ पार्ट, फर्स्ट वी विल रिमूव डेसिमल, 80 डिवाइड बाय 100, 5/1. अब देखिए इस जीरो की कोई वैल्यू नहीं है. नाउ डिवाइड विल चेंज इनटू मल्टीप्लाई एंड रेसिप्रोकल ऑफ नंबर विच इज ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ डिवीजन साइन, 1/5. अब इसको कट करिए, ये देखिए जीरो से ये जीरो हो जाएगा. अब इसमें देखिए, अगर आप इस जीरो से जीरो कट नहीं करेंगे तब ये थोड़ा सा इजी होगा, अदरवाइज आपको ये फिर फाइव से डिवाइड करना पड़ेगा. हम इसको कट नहीं करते, हम इसको फाइव से कट करते हैं, जीरो टू जीरो कट नहीं करते. तो ये आपके पास क्या आएगा, 5/5, 5/6, 6 आपके पास क्या है, ये 16/100. अब आप डेसिमल लगा सकते हैं, 0.16. रिमेनिंग पार्ट यू विल डू योरसेल्फ. नाउ क्वेश्चन नंबर टू, इसमें भी आपको डिवाइड करना है. जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें हमने डेसिमल नंबर को होल नंबर से डिवाइड किया था, अब हम डिवाइड करेंगे 10 से. देखिए 4.8 डिवाइड बाय 10, इसमें सेम वही रूल फॉलो करिए. फर्स्ट वी विल रिमूव डेसिमल, 4.8 डिवाइड बाय 10. डेसिमल रिमूव किया आपने, जब डेसिमल रिमूव करते हैं, अगर आपने न्यूमरेटर की है तो डिनोमिनेटर में हम करते हैं 10, 20 जो भी करना है आपको, और अगर आप डिनोमिनेटर में कर रहे हैं तो न्यूमरेटर में फिर ऊपर करते हैं, एक दूसरे के अपोजिट उसमें करते हैं. डिवाइड बाय 10/1. अब इसमें देखिए सेम वही रूल अप्लाई करिए डिवाइड का, 48 डिवाइड बाय 10 इंटू 1/10, दैट इज इक्वल टू 48/10 इंटू 10, 100. कट नहीं करना है आपको. तो ये अब डेसिमल आप लगाओगे आफ्टर टू डिजिट फ्रॉम राइट हैंड साइड, 48 है ये आपके पास, डेसिमल लगाना है, यहाँ पे डेसिमल आ जाएगी 0.48. अब बी पार्ट देखिए सेकंड, फर्स्ट वी विल रिमूव डेसिमल, देन वी विल गेट 525 डिवाइड बाय 10, देयर इज वन डिजिट आफ्टर डेसिमल. देखिए ये डेसिमल के बाद आपको ये इधर देखना है, ये कितने डिजिट है, ये नहीं कि यहां तो ये टू डिजिट है, आपको लेफ्ट साइड में नहीं देखना है, राइट साइड में देखना है. 10 डिवाइड बाय 10/1 इक्वल टू 525 डिवाइड बाय 10. नाउ डिवाइड विल चेंज इनटू मल्टीप्लाई एंड 10/1 विल बिकम 1/10. रेसिप्रोकल आपको करना होता है, सो ये 1/10 हो गया. अब देखिए कट नहीं करना है आपको, 525 डिवाइड बाय 100. अब आपके पास क्या आंसर आएगा, यहाँ आपको डेसिमल पुट करनी है आफ्टर टू डिजिट फ्रॉम राइट हैंड साइड, सो यू विल गेट 5.25. नाउ थर्ड पार्ट देखिए, फर्स्ट रिमूव डेसिमल, 7/10. इसको आप जीरो यहां लिख सकते हैं, लेकिन देखिए ये 7 है, 7 के आगे ये जीरो लगाने का कोई फायदा नहीं है. तो 7/10 डिवाइड बाय 10/1, दैट विल बी इक्वल टू 7/10, डिवाइड विल चेंज इनटू मल्टीप्लाई एंड रेसिप्रोकल ऑफ नंबर 10/1 इज 1/10 इक्वल टू 7/100. नाउ वी विल पुट अ डेसिमल आफ्टर टू डिजिट, जितनी जीरो है उतनी डिजिट के बाद डेसिमल पुट करना है. सो ये 7 है, टू डिजिट में करना है, तो इधर की साइड जीरो लगाओगे, ये नहीं कि राइट हैंड साइड में आप इसके जीरो लगाओगे, यहां जीरो लगाया फिर डेसिमल देन जीरो. फिर देखिए 272.23 डेसिमल रिमूव करेंगे तो डिनोमिनेटर में
100 divide by 10 by 1. That will be equal to 272.23 divide by 100. And then divide will change into multiply 1 by 10. Reciprocal कर दिया हमने 10 by 1 का. अब देखिए 273 by 1000. अब इसको multiply मत करने लग जाओ ना, कभी इसको ऐसे multiply करने लग जाओ 100 into 10 यहां ऐसे रख के. आप ऐसे नहीं करना है. ये मैंने प्रीवियस एक्सरसाइज थी उसमें आपको बताया था कि जब हम ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 into 1 1 आ गया, उसके बाद जीरो काउंट करके वो पुट करिए 1 2 3. ठीक है, तो ये आपके पास डिवाइड बाय 1000 आ गया. अब आपको डेसिमल पुट करनी है आफ्टर 1 2 3 डिजिट फ्रॉम राइट हैंड साइड. दैट विल बी इक्वल टू 2 7 2 2 3. अब देखिए इसमें आप डेसिमल लगाइए 1 2 3 डिजिट के बाद 1 2 3 यहां पे. आपके पास क्या आंसर आया 27.223. रिमेनिंग पार्ट यू हैव टू डू योरसेल्फ. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, आपको डिवाइड करना है 2.7 डिवाइड बाय 100. अब देखिए जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था उसमें 10 से डिवाइड किया था, इसमें 100 आ गया है. अब इसको डिवाइड करने के लिए रूल आपके पास सेम है, क्वेश्चन ये सारे सेम है. जो आपने फर्स्ट क्वेश्चन किया था ऐसे ही ये सारे क्वेश्चन है, सिर्फ थोड़ा थोड़ा डिफरेंस रहेगा, लेकिन फिर भी देख लेते हैं. फर्स्ट स्टेप आपके पास क्या है बताइए, डेसिमल रिमूव करना. तो ये आपके पास क्या आएगा 27 डिवाइड बाय 10. डेसिमल रिमूव किया तो हमने डिवाइड बाय 10 डिवाइड बाय 100 बाय 1 देन 27 बाय 10 एज इट इज एंड डिवाइड विल चेंज इनटू मल्टीप्लाई एंड रेसिप्रोकल ऑफ 100 बाय 10 विल बी 1 बाय 100 देन 27 डिवाइड बाय 1000. इसको आप जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 आएगा. अब आपको डेसिमल पुट करनी है आफ्टर 3 डिजिट फ्रॉम राइट हैंड साइड. 27 है, अब बोलोगे कि थर्ड डिजिट तो हमारे पास है ही नहीं, तो यहां पे जीरो लगाना है आपको लेफ्ट हैंड साइड में. यहां जीरो लगाएंगे, डेसिमल जीरो 0.027. कभी भी इस नंबर को एक साथ नहीं बोलते हैं. डेसिमल में जो नंबर होता है उसको आफ्टर डेसिमल एक एक डिजिट करके बोलते हैं. उसके बाद देखिए 432.6 डिवाइड बाय 100. फर्स्ट वी विल रिमूव डेसिमल, देन वी विल डिवाइड 100 बाय 1. दैट विल बी इक्वल टू 4326 बाय 10. डिवाइड विल चेंज इनटू मल्टीप्लाई एंड 1 बाय 100. 4326 बाय 1000. अब देखिए आप ये मत सोचना कि मैम को क्या पता, हम तो इसको ऐसे मल्टीप्लाई करके देखेंगे, क्योंकि कुछ बच्चे कुछ ज्यादा ही समझदार होते हैं ना, कि हम तो ऐसे साइड में करके देख लेंगे, मैम को क्या पता चलेगा कि हमने कैसे मल्टीप्लाई किया ये. लेकिन इसमें आपका ही नुकसान है, क्योंकि जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तो अगर आप ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे काम चलेगा बताइए. हायर क्लासेस में जाके आपको ही नुकसान होगा. तो इसीलिए आपको बोला गया कि अब इनको आप समझिए, ये नहीं है कि बुक वालों को मजा आ रहा है कि ये क्वेश्चन हम सोल्व कराते हैं, ताकि आप लोग इनको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना सीख जाओ, ताकि आगे जाके फिर इजीली क्वेश्चन को सोल्व कर पाओ. इसमें आपका ही नुकसान है, मेरा कोई नुकसान नहीं है. अब देखिए डेसिमल आपको लगानी है आफ्टर 1 2 3 डिजिट, सो यू विल गेट 4.326. देन फिफ्थ पार्ट देखिए 23.6 डिवाइड बाय 100. फर्स्ट वी विल रिमूव डेसिमल, देन then we will change divide into multiply and reciprocal of 100 by 1 is 1 by 100. Now we will multiply 10 into 100, we will get 1000.
नाउ पुट अ डेसिमल आफ्टर 1, 2, 3 आफ्टर 3 डिजिट, ये आपके पास आएगा 0.236। देन सिक्स्थ पार्ट देखिए, 98.53 डिवाइड बाय 100, देन डिवाइड बाय 100 बाय 1। नाउ डिवाइड विल चेंज इनटू मल्टीप्लाई, 98.53 डिवाइड बाय 100, डिवाइड विल चेंज इनटू मल्टीप्लाई एंड 1 बाय 100 इज रेसिप्रोकल ऑफ 100 बाय 1। नाउ वी विल मल्टीप्लाई 100 इनटू 100। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे आपका टाइम वेस्ट होगा। कैसे करेंगे, 1 into 1, 1 आ गया, 1, 2, 3, 4, 4 0। अब आपको डेसिमल पुट करना है, डेसिमल पुट करने के लिए 1, 2, 3, 4 डिजिट के बाद आप डेसिमल पुट करेंगे तो ये आपके पास क्या आएगा, 9853। डेसिमल लगाइए, 1, 2, 3, 4 यहां पे 0.9853। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इसमें भी आपको डिवाइड करना है लेकिन अब 1000 से डिवाइड करना है। अब देखिए रूल आपके पास सेम है, फर्स्ट रिमूव डेसिमल 79/10, देन डिवाइड बाय 1000/1 इक्वल टू 79/10, डिवाइड विल चेंज इनटू मल्टीप्लाई बाय 1/1000। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास क्या आएगा, 79/10000। 1, 2, 3, 4, 4 0 आपने ये ऐसे पुट की। अब देखिए 4 0 है तो 4 डिजिट के बाद आप डेसिमल पुट करेंगे तो ये आपके पास क्या आएगा, देखिए 7, 9, 4 चाहिए लेकिन आपको, तो यहाँ पे 0 लगाइए, 0, 0 डेसिमल देन 0, 0.0079 ये आपके पास इसका आंसर आया है। सेकेंड पार्ट देखिए, 26.3 था तो जब हमने इसकी डेसिमल रिमूव की तो 263 डिवाइड बाय 10 एंड डिवाइड बाय 1000/1, 263/10 डिवाइड विल चेंज इनटू मल्टीप्लाई एंड 1/1000 इक्वल टू 263 डिवाइड बाय 1, 2, 3, 4, 4 0 करनी है तो ये 10000। देन यू विल गेट, अब देखिए आपको डेसिमल पुट करनी है आफ्टर 4 डिजिट तो ये आपके पास क्या आएगा, 0.0263। अब नेक्स्ट देखिए 38.53, फर्स्ट वी विल रिमूव डेसिमल 38.53 डिवाइड बाय 2 डिजिट के बाद, देखिए इसमें डेसिमल है तो ये 100 आएगा यहां पे, डिवाइड बाय 1000/1 इक्वल टू 3853 डिवाइड बाय 100, डिवाइड विल चेंज इनटू मल्टीप्लाई नाउ 1/1000 रेसिप्रोकल ऑफ 1000/1। नाउ वी विल मल्टीप्लाई 100 and 1000, 1000 3 0 एंड 2 0 ये, तो ये 5 0 हो गए, ठीक है 1 lakh। अब आपको डेसिमल पुट करनी है आफ्टर 1, 2, 3, 4, 5 डिजिट के बाद तो आपके पास क्या आंसर आएगा, ये देखिए 0. इधर देखिए ये आपके पास आएगा 3853 एज इट इज, पहले आपने नोट किया। अब आपको 5 डिजिट के बाद डेसिमल लगाना है तो ये 1 0 आपने यहां लगाई, 1, 2, 3, 4, 5 हो गई 0, ये आपके पास आंसर आया है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट में 128.9 डिवाइड बाय 1000, 1289 डिवाइड बाय 10, डेसिमल रिमूव की हमने, देन डिवाइड बाय 1000/1 इक्वल टू 1289/10 डिवाइड विल चेंज इनटू मल्टीप्लाई एंड रेसिप्रोकल ऑफ 1000/1 इक्वल टू
वन बाय थाउजेंड इक्वल टू 1289 डिवाइड बाय 10,000 वन टू थ्री फोर फोर जीरो थी तो हमने 40 यहां पे पुट कर दी. नाउ यू विल गेट. अब देखिए आपको डेसिमल पुट करनी है आफ्टर 1234 डिजिट के बाद 1289 1234 डिजिट हो गई 0.0. ठीक है. अब देखिए यहां से आप एक चीज ऑब्जर्व करिए. अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए जो भी नंबर आपके पास गिवन है उसमें जब आप डिवाइड कर रहे हैं ऐसे 1000, 10 या 100 से पीछे वाले क्वेश्चन में भी आप नोटिस करिए. ठीक है. तो जो डेसिमल है वो राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट हो रही है. देखिए आपके पास डिवाइड करने के बाद यहां क्या आंसर आया 0.0079 ये आंसर आया था. ठीक है. अब इसमें आप चेक करिए आपने 1000 से डिवाइड किया तो डेसिमल पहले यहां थी 7 और 9 के बीच में लेकिन अब क्या हो रही है इसमें डेसिमल शिफ्ट हो गई 1, 2, 3 डिजिट. डेसिमल 3 डिजिट शिफ्ट हो गई फ्रॉम राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड. यहां पे डेसिमल थी पहले ये यहां पे अब ये शिफ्ट हो गई 3 डिजिट फ्रॉम राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड. जितनी जीरो रहेगी उतनी डिजिट छोड़ के आप डेसिमल को अब शिफ्ट कर देंगे 1, 2, 3 देखो 0.0079 ये आपके पास आंसर आया है. ठीक है. तो जब आप डिवाइड करते हैं तो यहां पे अब आप ध्यान रखिए कि जब भी आप 1000, 100, 10 ऐसे जब डिवाइड करते हैं तो डेसिमल शिफ्ट होती है फ्रॉम राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड. जितनी जीरो है उतनी ही डिजिट इधर शिफ्ट हो जाएगी. अब जैसे इसमें देखिए 3853 है डेसिमल पॉइंट यहां पे है ये 38 पॉइंट है ये यहां 1000 से डिवाइड कर रहे हो 3 डिजिट आपको शिफ्ट करनी है लेफ्ट साइड में तो ये आपके पास क्या आएगा 2 तो ये हो गई एक डिजिट और आएगी यानी 0.03853. अब ये देखिए डायरेक्ट आंसर आपके पास वही आ गया. तो ये ऑब्जर्व करने के लिए था कि इससे आपने क्या ऑब्जर्व किया. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 इसमें भी आपको डिवाइड करना है लेकिन अब आपको 1000 से नहीं करना है सिर्फ आपको या तो डेसिमल नंबर होगा उसको आपको डिवाइड करना है होल नंबर से या दोनों डेसिमल भी हो सकते हैं कैसे भी हो सकता है. आप देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में है 7 डिवाइड बाय 3.5. अब आपको रूल सेम रखना है कि सबसे पहले आप डेसिमल रिमूव करेंगे. सो 7/1 डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है सो वी विल राइट 1 डिवाइड बाय 3, 5 डिवाइड बाय 10 क्योंकि यहां पे डेसिमल था. अब एक बात याद रखिए कि क्वेश्चन आप ऐसे ही नीचे में सोल्व करेंगे ये नहीं नोटबुक में ऐसे साइड में सोल्व कर रहे हैं. 7/1 डिवाइड बाय 35/10 अब सेम आप रूल अप्लाई करेंगे 7/1 डिवाइड विल चेंज इन टू मल्टीप्लाई एंड 10/35. अब देखिए 7/1 = 7, 7/5 = 35, 5/1 = 5, 5/2 = 10 योर आंसर इज 2. अब सेकंड पार्ट देखिए 36/1 / 0.2 है तो इसकी डेसिमल रिमूव करेंगे तो 2/10. ठीक है. नाउ डिवाइड विल चेंज इनटू मल्टीप्लाई एंड रेसिप्रोकल ऑफ 2/10 इज 10/2. अब देखिए 2 1 2 1 2 8 ये आपके पास क्या है 18 × 10 दैट इज इक्वल टू 180. थर्ड पार्ट देखिए थर्ड पार्ट में 3.25 डिवाइड बाय 0.5. फर्स्ट वी विल रिमूव डेसिमल 3 to 5 divide by 100 divide by 0.5 है तो 5 divide by 10. नाउ रेसिप्रोकल ऑफ नंबर 5/10 एंड डिवाइड विल चेंज इनटू मल्टीप्लाई 325 divide by 100 multiply by 10/5. 0 to 0 5 1 देखिए 5 6 30 5 5 25 65 by 10
अब 65/10 को आपको कट नहीं करना है, डायरेक्टली डिवाइड करिए इसको, 65/10 इक्वल टू 6.5। देन फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट में डेसिमल रिमूव करेंगे, 3094/100 एंड 7 की डेसिमल रिमूव करेंगे तो 10, 3094/100 इंटू, डिवाइड चेंज हो गया ये मल्टीप्लाई में, और 10/7। अब देखिए ये 0 to 0, अब इसको देखिए 7 4 जा 28, 7 2 जा 14, ये आपके पास क्या आया, 4 4 2/10, दैट विल बी इक्वल टू 44.2। डेसिमल पुट करेंगे हम एक डिजिट के बाद तो ये आएगा आंसर। नाउ फिफ्थ पार्ट, 0.5/0.25, रिमूव डेसिमल, 5/10/25/100, देन डिवाइड विल चेंज इनटू मल्टीप्लाई एंड रेसिप्रोकल ऑफ 25/100 विल बी 100/25। अब देखिए 5 1 जा 5, 5 जा, अब ये वाले नंबर आप कैंसिल करने की कोशिश कीजिए, जो जीरो वाले हैं उनको नहीं करना है, 5 1 जा 5 2 जा 0, ये आपके पास क्या है, 0 to 0 कैंसिल, दैट इज इक्वल टू 2। 5 से किया सबसे पहले 5 5 जा 25, फिर 5 से मैंने 100 को ही कैंसिल किया, 20 पे गया, 20 पे ये 0 कैंसिल हो गई, फिर 2। अब इसमें देखिए डेसिमल रिमूव करेंगे, 7 75/100, 25/100। अब इसमें देखिए डेसिमल को रिमूव हमने कर दिया है, डिवाइड को चेंज किया मल्टीप्लाई में, और 100/25। अब इसको डिवाइड करेंगे, 25 3 जा 75, 25 1 जा 25, 100 to 100 ये कैंसिल हो गया, क्या है आपके पास फाइनल आंसर, 31। नाउ सेवंथ पार्ट, डेसिमल रिमूव, 31 करने के बाद अब हम चेंज करेंगे डिवाइड को मल्टीप्लाई में एंड रेसिप्रोकल ऑफ 15/10 इक्वल टू 10/15। अब इसको देखिए 15 5 जा 75, 15 1 जा 10 to 10 कैंसिल हो गया, योर फाइनल आंसर इज 51। नाउ एट्थ पार्ट, फर्स्ट वी विल रिमूव डेसिमल, 3 7 8/10 एंड 14/10, 3 7 8/10 इंटू 10/14, डिवाइड को हमने मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया और 14/10 का रेसिप्रोकल किया है। अब देखिए 14 2 जा 28, देन 7 जा 14, 7 जा 98 और 10 to 10 कैंसिल हो गया, तो ये आपके पास क्या है, 27। ये मैंने कैंसिल किया 14 से, 378 को ये 14 2 जा 28, 9 रिमाइंडर, 9 8 98 हो गया, 14 7 जा 98, 10 to 10 कैंसिल, 27। नाउ नाइन्थ पार्ट, 2.73/1.3, फर्स्ट वी विल रिमूव डेसिमल, 273/100 एंड 13/10, नाउ रेसिप्रोकल ऑफ 13/10 एंड डिवाइड विल चेंज इन टू मल्टीप्लाई, अब कैंसिल करेंगे, 13 2 जा 26, 13 1 जा 13, 0 to 0 कैंसिल हो गए, क्या है आपके पास, 21/10,
दैट विल बी इक्वल टू 2.1. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. अ व्हीकल कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 43.2 किलोमीटर इन 2.4 लीटर्स ऑफ पेट्रोल. हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल. देखिए, कोई व्हीकल है जो 43.2 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है 2.4 लीटर पेट्रोल में. आपको बताना है कि 1 लीटर पेट्रोल में कितना डिस्टेंस कवर करेगा. 1 लीटर में आपको फाइंड आउट करना है. व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट? डिस्टेंस. सो यू विल पुट डिस्टेंस ऑन द राइट हैंड साइड. ये मैंने आपको पहले भी बताया था और ये चीज आप याद रखिए, जो भी आपको फाइंड आउट करना होता है वो आप राइट हैंड साइड में पुट करते हैं. कैसे? जैसे ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई, जैसे आप कहते हो ना कि हमें स्टेटमेंट बनाने नहीं आती, तो वो देखिए कि डिस्टेंस आपसे पूछा गया है, तो डिस्टेंस ये जो 43.2 किलोमीटर है इसको आप राइट हैंड साइड में रखेंगे और लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा? 2.4 लीटर ऑफ पेट्रोल. तो आप इसकी स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे? इन 2.4 लीटर्स ऑफ पेट्रोल डिस्टेंस कवर्ड इक्वल टू 43.2 किलोमीटर. ठीक है, देखिए मैंने बोला था कि जो आपसे पूछा गया वो राइट हैंड साइड में होना चाहिए. ये राइट हैंड साइड में आ गया. अब आप कंपेयर करिए. अब आपको फाइंड आउट करना है 1 के लिए, इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल डिस्टेंस कवर्ड इक्वल टू. अब कंपेयर करिए 2.4 और 1 को. तो 2.4 से 1 कम है, 1 लीटर कम है, और कम के लिए हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं. तो डिवाइड करिए, 43.2 डिवाइड बाय 2.4. ठीक है, देन यू विल गेट 43.2 डिवाइड बाय 10 एंड ऑन द राइट हैंड साइड 24 डिवाइड बाय 10. देन यू विल चेंज डिवाइड इनटू मल्टीप्लाई एंड रेसिप्रोकल ऑफ नंबर 24 बाय 10 इज 10 बाय 24. अब इसमें देखिए 24 वन जा एंड 24 एट जा, 18 से कैंसिल हुआ. अगर आपसे ये कैंसिल नहीं हो रहा डायरेक्ट तो आप इसको 2 से भी कैंसिल कर सकते हैं. देन 0 टू 0 ये कैंसिल, आपके पास क्या आंसर आया? 18 किलोमीटर. डिस्टेंस कवर्ड इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल इक्वल टू 18 किलोमीटर. ठीक है, ये ध्यान रखना कि जो भी फाइंड आउट करना है वो राइट हैंड साइड में रखिए. उसके बाद क्वेश्चन इजी हो जाता है. अगर आप लोग अपनी मर्जी से कुछ भी स्टेटमेंट बनाएंगे तो ना आपको क्वेश्चन समझ आएगा और ना ही उसका आंसर फिर सही आएगा, उसमें आप गड़बड़ करके आएंगे. ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे.